इतना प्यार मुझे मिल रहा है ना कि मेरे पास एक छोटा सा थैंक यू भी छोटा पड़ रहा है। पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को मेरे प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मद्महेश्वर घाटी में और अपनी मद्महेश्वर घाटी के सुंदर से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी परफेक्ट हूँ। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और ये रही मेरी मम्मी। हेलो मैम। हेलो दोस्तों, प्रणाम, कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं, आप कैसे हो? आप कैसे जरूर बताना। तो अभी मेरी तैयारी ब्रांच में जाने की हो चुकी है, मेरी तैयारी और पूरी धान की मंडाई वगैरह हो चुकी है और अब इनमें हल लगेगा। उधर की उसमें तो हल लग चुका है, अब यहाँ भी हल लगेगा। तो आजकल आप गांव में देख सकते हो सबने अपने खेतों की दाल वगैरह ला गए हैं। ये है सोयाबीन और हम इसे बोलते हैं, वैसे भट बोलते हैं। सबने धूप में फहरा रखी हैं, फिर से कूटेंगे, फिर अलग करेंगे, फिर छानेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है इसे बनाने का। तो आप बोल रहे होंगे मैं तो जा रही हूँ ब्रांच में, मम्मी कहाँ आ रही है? तो मम्मी के हाथ में आपने दरांती देखी होगी, तो मम्मी जा रही है दाल लेने के लिए खेत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मम्मी दरांती की धार तेज कर रही है और हमारे घर यहाँ से नीचे है, मम्मी को यहाँ पर खेत में जाना है। तो ये देखो धार तेज कर रही है और मेरी सांस ना बहुत जल्दी फूल जाती है ऐसे ऊंचाई पर चलती हूँ। तो बाय बाय मम्मी को कर लेते हैं, मैं ब्रांच में जाती हूँ। सीधा मिलूंगी मैं शाम को 5:30 बजे बाद, ठीक है? ठीक है। मम्मी भी शाम घर पे रहती नहीं रहती, खेतों में रहती, वैसे आ जाती है आजकल क्योंकि रात जल्दी हो रही है ना। तो हेलो दोस्तों, आज नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नेक्स्ट डे पे मैं आज आ चुकी हूँ और अभी सुबह का टाइम है। तो आज है डुगू का बर्थडे, तो डुगू को चलो विश करने चलते हैं, ठीक है? हाँ मम्मी, ये मुझे कैसे देख रहे हैं गाइस, देख सकते हो आप। हैप्पी बर्थडे डुगू, हैप्पी बर्थडे डुगू, हेलो, हैप्पी बर्थडे। आज मेरा डुगू 1 साल का हो चुका है, हैप्पी बर्थडे डुगू। ये मुझे भाव नहीं दे रहा है बट मैं इसको भाव देने के लिए बोलूँगी। आ जा मेरे टॉप हैप्पी बर्थडे, सबको बोलो हेलो करो, हेलो करो, हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे बोलो। ओके, आप हो बर्थडे बॉय, ठीक है? आप बर्थडे बॉय हो आज। लगाऊंगी फिर शाम को लगाऊंगी, तो इस पेड़ पे लगाएगी मम्मी, इस वाले पेड़ पे जो ये वाला पेड़ है। और हमारे देखो हम मतलब ज़्यादा नहीं लगते, हम बस थोड़ा ही से लगते हैं, वो भी बंदर खा लेते हैं। हाँ बंदरों ने तोड़ दिए पूरे, ही देख सकते हो आप। तो टहनी है ये देखो, इतनी सी टहनी, इसमें कितने ही लगेंगे, उसमें भी जितने लगते हैं बंदर ही खा लेते हैं। ये देखो इससे भी बंदर ने हाथ मारा हुआ है। ठंडों का टाइम आ रहा है ना, तो चूल्हे में ही रोटियाँ वगैरह बनती है, तो उसके लिए लकड़ियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। घास की भारी ला के अच्छा लग रहा है, कुछ तो किया मैंने आज काम। एक घास की भारी लाती कुछ तो क्या, ऐसा लगता है कि खाना बेकार। एक पार्सल आया हुआ है जो मैं आप सभी लोगों के साथ उससे खोलूंगी, उस पार्सल को अभी मैंने भी खोला नहीं है अभी क्योंकि थोड़ा बहुत काम है, मैं काम कर लेती हूँ। तो ये रहे उपले, ये हमारी गोली 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 गोली। नहा धो के छत में आ चुके हैं और धूप तो आई भी नहीं है, धूप मतलब कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और दिन तो धूप सेक बिना भी क्या हादसा है, मतलब यहाँ पर मेरी ब्रांच है वहाँ पर उतनी धूप आती नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ संडे में जितनी धूप मिले उतनी ले लेते हैं। तो और आज बना हुआ है पुलाव, मम्मी देखो नाडा, तो ये बनाया भाई ने, अच्छा है, तो अच्छा बनाया। तो यहाँ पर मेरा पुलाव भी रहा, ये तो भाई ने बनाया, अच्छा ही बनाया। वैसे मेरा भाई करता सारा काम है घर का, पर वो कैमरे के सामने नहीं आता है, बस यही प्रॉब्लम है। मेरा भाई ब्लॉग में आने से शर्माता है, क्या ही बोलें। अब जो नहीं आना चाहता तो मैं उनको लाती हूँ अपने ब्लॉग में, चाहे वो कोई भी हो चाहे भाई क्यों ना हो, पर नहीं लाती हूँ। तो दोस्तों मैं एक पार्सल की बात कर रही थी जो कि मुझे यूट्यूब की तरफ से आया है, एक यूट्यूब फैमिली ने दिया है और उन्होंने भी नाम रिवील करने के लिए मना करा हुआ है। काफ़ी लोग होते हैं ना जो पार्सल देते हैं बट नाम नहीं चाहते कि हमारा नाम आए। ये अलग गिफ्ट है, मतलब ये किसी और ने दिया, वो किसी और ने दिया था, तो यूट्यूब की तरफ से आया है, मतलब यूट्यूब परिवार जो मेरे डेली व्यूज़र हैं उनकी तरफ से ये आया है ये गिफ्ट।
तो मैं इस गिफ्ट को आप ही के सामने अनबॉक्सिंग करूँगी, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो अभी मैं छत पर बैठी हूँ ना, वैसे ही आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे बोल रहे हैं कितना अच्छा है, पर क्या करें, मैंने छाया के लिए रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि छाया भी चाहिए ना, एकदम से बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं होती है और मेरा ध्यान तो गिफ्ट पर गया ही नहीं। ये है GoPro, वाओ गाइस, इससे पहले भी मुझे आप सभी को पता है एक्शन कैमरा गिफ्ट मिला और अब ये मिला है। ये भी मुझे किसी अपने ही यूट्यूब परिवार की तरफ से मिला है, तो ये है GoPro Hero 11। तो ये क्या है, GP, ये इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए है, ये बॉक्स मिला हुआ। इससे पहले जो एक्सलेंट कैमरा था मुझे मिला हुआ, वो भी कुछ उसका बॉक्स भी कुछ ऐसा ही था, बस उसका बॉक्स थोड़ा बड़ा था, उसके अंदर ये सारा सामान था। तो ये आप देख सकते हो, ये बैटरियां हैं, वाओ। तो गाइस ये रहा GoPro 11 ब्लैक। ये एक्शन कैमरा चलाना भी नहीं आता था, अब GoPro मेरे पास आ चुका है, अब GoPro चलाना भी सीखना पड़ेगा, तो इसे भी चलाना सीखेंगे। तो ये GoPro रहा, इसके साथ और जो भी सामान मिला है वो भी आप सभी को दिखा देती हूँ मैं। इस एक्शन कैमरा से भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी, ऐसी बात नहीं कि GoPro आ गया तो GoPro से ही शूट करूँगी, पर देखते हैं अब अच्छी क्वालिटी कौन देता है, क्या अच्छा करता है। मुझे तो खैर दोनों चीज़ें चलानी नहीं आती थी, पर थोड़ा बहुत मैंने एक्शन कैमरा चलाना सीखा। और आपको पता है ना कि एक्शन कैमरे पर मैंने ज़्यादा ब्लॉग बनाए नहीं अभी, क्योंकि तभी तबीयत ख़राब तभी कुछ रहती है, तो अब इस पर से भी बनाएंगे। और ऐसे चल रहा है सब कुछ दोस्तों, आपका काम ना बताओ। अरे यार क्या करूँ, मैं बैठी हुई छत में क्या ही करूँ, समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो बॉक्स आया है उसी की अनबॉक्सिंग की जा करती हूँ। अभी ये वाला माइक पता नहीं कैसी वॉइस क्वालिटी दे रहा होगा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे अक्सर इसकी वॉइस क्वालिटी में थोड़ा बहुत शक होता है। ये तो लग रहा है ट्राईपॉड है, वाओ गाइस ये देखो कितना प्यारा है ये वाला, काफ़ी प्यारा लग रहा है ना, जैसे टॉर्च जैसा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला। ये सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर मिली हुई है, ये है बैटरी और ये अडेप्टर है, ये देख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें बाद ही में खोलेंगे, अभी ये पूरी बॉक्स मैं पैक हो रही है, इसको यूज़ करके बताऊंगी आपको कि कैसा इसका रिस्पांस रहता है। बट थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, बस यही कह सकती हूँ। मेरे पास तो अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, क्या बोलूँ, क्योंकि इतना प्यार मुझे मिल रहा है ना, कि मेरे पास एक छोटा सा थैंक यू भी छोटा पड़ रहा है। बस आपने इतना प्यार दिखाया तो मैं यही कर सकती हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लाऊँ, यही मेरा प्यार है। बट मैं कोशिश करती हूँ हमेशा अच्छा कंटेंट लाने की, और आपको बताया ब्रांच के साथ साथ मैं कवर नहीं कर पा रही, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है मतलब, तो फिर भी मैं आप सभी लोगों के लिए अच्छा सा कंटेंट लेके अच्छी सी वीडियो अब इससे लाऊंगी। अब देखते हैं कि ये कैसा जलता है, क्या करते हैं, तो इससे भी बताऊँगी ज़रूर। तो फिलहाल इसके बाद अभी हमारे गाँव में कीर्तन है, मुझे वहाँ भी जाना है, क्योंकि मम्मी तो चली गई है खेत में, मतलब जो घास होती है ना न्यार पराल बोलते हैं जिसे, उसे लेने के लिए मैं जाती, पर मेरा ये साइड ना बहुत पेन हो रहा है, मतलब यहाँ राइट साइड थोड़ा पेन है मेरे गर्दन की साइड पर, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाऊँगी। तो इसको यूज़ करके मैं आपको बताऊँगी, और फिर से अगेन मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या बोलूँ, इतना प्यार दे रहे हो और क्या ही बोलूँ मैं, बस इतना बोलूँगी थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना मेरे लिए बहुत है। मेरी तैयारी हो चुकी है भजन में जाने की, कीर्तन में जाने की, आप लोग बोलेंगे तैयारी क्या हो कि जा तो वैसे ही है, तो दोस्तों तैयार होना मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अब ना थोड़ी देर बाद मतलब धूप जाने वाली, तो ठंड लग रही है, तो इस टाइम पर मुझे लग रहा है कि फैशन से ज़्यादा स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली मेरे लिए तो है ही, क्योंकि इतना बीमार चलती रहती हूँ। तो अभी चलते हैं कीर्तन। आज लम्हे
तो आजकल ना दोस्तों बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, और ये देखो पूरी लौकी की बेल कैसे सूख चुकी है यहाँ पे। और लौकी थोड़ी सी अब लग रही थी पर पूरी बेल सूख चुकी है। भजन वालों के लिए पकौड़ियाँ यहाँ पे मामा जी। मामा हेलो करो। हाय, बोला कुछ। यहाँ पे हमारे बेटे पिंकू की मेहंदी रात की जो है आज संगीत प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें यहाँ पे हमें जो है पकौड़ियाँ बनाने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भैया जी भी हैं और बड़ी सी कढ़ाई बन रही है यहाँ पे पकौड़ियाँ। तो आप शादी बारह तो वैसे ही बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है, यहाँ पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। तो यहाँ पर है बंसी, ये हमारा बिग फैन है। पकौड़िया खाने के लिए बैठ चुके हैं और कबलाट आप देख सकते हो कितना ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बांट रही है सीका बांटने का काम कर रही है। ये रहा, तो दोस्तों यहाँ पे मेरी चाय पकौड़ी आ चुकी है, तो इसका मजे लेते हैं। नमकीन भी है साथ में। तो अभी दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ और भजन कीर्तन भी हो चुका है, और मतलब आज बस भजन था। मतलब लोग आगे कह रहे कि कल मेहंदी की रस्म भी होगी और हमारे गांव में दाल धोने की रस्म भी होती है। दाल धोने की रस्म क्या होती है वो मतलब कहीं होती है कहीं नहीं होती है, उसमें उड़द की दाल को धोया जाता है। तो वो ब्लॉग मैं कल, तो मैं घर पर ही रहूँगी, ब्रांच में रहूँगी, तो दिखा नहीं पाऊँगी। पर मैंने और जो मेरे सब पुराने जुड़े होंगे उन्हें पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार दिखाया भी है। तो आपको अगर आज का ब्लॉग एंजॉय की तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही मैं, मुझे दो साल तो हुए नहीं है, बट दो साल हो जाएंगे, दो तीन महीने में दो साल भी हो जाएंगे मुझे। दो साल तक मैं यूट्यूब पर टिकी हुई हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है वीडियो बनाना। मैं सच कह रही हूँ, मैं हर एक यूट्यूबर का दुख समझ सकती हूँ जो कंटिन्यू बना होता है। तो आसान नहीं होता है वीडियोस वगैरह बनाना, और उल्टा मैं तो अब बहुत फंस चुकी हूँ, मुझे तो टाइम भी नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं ब्लॉग आप सबके लिए लाऊंगी, आपका इतना प्यार सपोर्ट मेरे लिए बना है, तो मैं आप सभी के लिए ब्लॉग लाऊंगी। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय।